हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे हो। फ्रेंड्स, हम लोग कवर करने जा रहे हैं तुर्किश लीग का मैच फ्रेंड, जो कि खेला जाएगा गोस्टेप व राजस्पोर के बीच। फ्रेंड, आपको बता दूं, वेन्यू है गोस्टेप गोर्सेल एक्स्टर स्टेडियम में खेला जाएगा, जो ये गोस्टेप का होम ग्राउंड है। गोस्टेप का होम ग्राउंड होने की वजह से गोस्टेप को थोड़ा सा यहाँ पर एडवांटेज मिलने वाला है। फ्रेंड, जहाँ तक पॉइंट टेबल की बात कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूँ फ्रेंड कि इस मैच से संबंधित कोई भी अपडेट रहेगा, मैं उसका टेक्निकल अभी प्रेडिक्शन, मेरा टेलीग्राम चैनल है आप लोग देख लीजिए, उसी पे मैं अपडेट कर दूंगा। ये मेरी फाइनल टीम नहीं रहेगी, फाइनल टीम मैं टेक्निकल अभी प्रेडिक्शन मेरा टेलीग्राम चैनल है फ्रेंड, उस पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आ जाइए, आपको दिखा देता हूँ, आप लोग उसको जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसी पे मैं अपडेटेड टीम प्रोवाइड कर लूँगा। टेक्निकल अभी प्रेडिक्शंस करके है ये टेलीग्राम चैनल है फ्रेंड्स, यहाँ पे सचिन सर की फ़ोटो लगी हुई है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मैं फुटबॉल क्रिकेट दोनों की टीम प्रोवाइड करता रहता हूँ, आपके जो भी फ्रेंड क्रिकेट भी खेलते हैं उनको भी आप लोग ज़रूर बता दीजिए। तो फ्रेंड, टेक्निकल अभी प्रेडिक्शंस इस पर मैं अपडेट कर दूंगा। इस समय काफ़ी स्पोर्ट्स काफ़ी बाधित हो रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए मैच हो रहा है तो इस मैच को हम लोग अपडेट कर रहे हैं फ्रेंड। आप लोगों को बता दूं, टेक्निकल अभी प्रेडिक्शन पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे ये मैच, फाइनल मैच, इसी पे मैं अपलोड आपको कर दूंगा, ठीक है? तो राइट साइड में जाइएगा, सर्च में ऑप्शन में टेक्निकल अभी प्रेडिक्शन डालिएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड? तो आ जाइए, जो मैंने ड्रीम इलेवन टीम बनाई वहाँ मैं खिलाड़ी वाइज आपको प्लेयर वाइज एनालिसिस करके आपको प्लेयरों के बारे में आपको बताऊंगा, आप लोग उसी हिसाब से अपनी टीम क्रिएट कर लेना, ठीक है फ्रेंड? फ्रेंड, पहले तो बता दूं गोस्टेप के टीम के बारे में, इन्होंने शानदार 25 मैच में इन्होंने केवल 9 विन किया है, 9 लॉस किया, 7 ड्रा, 34 पॉइंट के साथ 8th पोजीशन पे है, 8वें नंबर पे है। वहीं राजस्पोर की टीम 16वें नंबर पे है, ये 8वें पे है, तो जहाँ पे राइजेस की टीम ये 16वें नंबर पर, ये 25 मैच में 7 ही विन की है, 4 ड्रा और 14 लॉस किया है, ठीक है, 25 पॉइंट के साथ। फ्रेंड, लास्ट इनका 5 मैच में जो है गोस्टेप का रिकॉर्ड रहा है, एक मैच केवल जीती है, बाकी 3 लॉस 1 ड्रा रहा है। वहीं पर उनका लास्ट मैच राइजेस का ये रहा है कंडीशन, उन्होंने केवल 4 लॉस और 1 ड्रा किया है, ठीक है? तो बाकी 2-0 सभी हार के आ रही है गोस्टेप की टीम, वही 2-1 से हार के आ रही है राइजेस की टीम। तो दोनों टीमें थोड़ी सी कमज़ोर हैं, जहाँ पर गोस्टेप की टीम जो है 8वें नंबर पोजीशन पर है, वहीं राइजेस की टीम 16वें नंबर पर। तो पिछले 4 मैच में गोस्टेप की टीम केवल 1 गोल कर पाई है, और राइजेस के बारे में जो सबसे अच्छी बात है कि अच्छी टीमों के खिलाफ भी ये गोल करती है, ठीक है? राइजेस की टीम की बात कर रहे हैं फ्रेंड, ठीक है, अच्छी टीमों के खिलाफ भी ये गोल करती है, गोल इन्होंने स्कोर किया है, ठीक है। लास्ट हेड टू हेड मैच इन लोगों का आपस में ड्रा रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो आइए मैं वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में बात कर दूं। गोस्टेप के बारे में पहले बता दूं, करंट फॉर्म अच्छा नहीं है, लेकिन इनके साथ होम एडवांटेज है गोस्टेप के साथ। वहीं पे होम मैच में इनका रिकॉर्ड जो है 4 विन 4 ड्रा और 3 लॉस किया है इन्होंने 11 मैच में, और अपने घर में अपने होम ग्राउंड में खेलेगी गोस्टेप की टीम, जीतने की पूरी कोशिश करेगी। वहीं राइजेस के बारे में बता दूं, इनका डिफेंस बहुत वीक है, ठीक है, और उसके बाद इनका बाहर रिकॉर्ड भी उतना अच्छा नहीं है, कुल 12 मैच में केवल 2 जीते हैं, 2 ड्रा 8 लॉस किया है, तो इनका बाहर रिकॉर्ड भी राइजेस का अच्छा नहीं रहा है। कुछ बेहतरीन खिलाड़ी हैं इसमें, एम सकोडो करके, और एक आध दो खिलाड़ी और बहुत अच्छे इनके भी हैं राइजेस की तरफ से। तो आ जाइए, जो ड्रीम इलेवन टीम मैंने बनाया फ्रेंड आपको दिखा देता हूँ, बाकी फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर आप लोग ज़रूर कर लेना फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो आज मैं खिलाड़ी पे वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा खिलाड़ी वाइज, आप उसी हिसाब से टीम कर लीजिए फ्रेंड। ये फाइनल टीम है, फाइनल टीम मैं आपको जो है लाइनअप आउट होने के बाद ही प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? तो आज मैं आपको ड्रीम इलेवन टीम पे ले चलता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ फ्रेंड देख लीजिए, गोलकीपर में हम बेटो के साथ जा रहे हैं, बहुत अच्छा गोलकीपर है फ्रेंड। और दूसरी चीज़ आपको ये बता दूं, थोड़े से यहाँ पर राइजेस फोर की टीम अच्छी टीमों के खिलाफ काफ़ी अटैक करती है, तो मे बी थोड़े सी संभावना बनती है कि यहाँ पर थोड़े से पॉइंट हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेटो दिला सकते हैं, इसलिए हम लोग इनके साथ जा रहे हैं। वहीं डिफेंड में देख लीजिए, एल टी टर्को, ये केवल 1 असिस्ट अभी तक किए हैं, लेकिन 83% सिलेक्शन इनका है फ्रेंड। मैं आपको बता दूं, अभी तक इन्होंने केवल जितने भी मैच खेले हैं केवल 1 इन्होंने असिस्ट किया है, ठीक है, तो उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं किया। फिलहाल के लिए हम लोग इनके साथ नहीं जा रहे हैं, एल गास्मा के साथ जा रहे हैं फ्रेंड, एल गास्मा के साथ हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड। इन्होंने अभी तक 2 असिस्ट किया है, ठीक है, इन्होंने अभी तक 2 असिस्ट किया, बढ़िया ये डिफेंडर भी हैं, ठीक है। उसके बाद डी मेलजैंक, इनके बारे में बता दूं फ्रेंड, ये काफ़ी तेज़ खिलाड़ी हैं, काफ़ी डिफेंडर बहुत अच्छे हैं, कभी कभी आगे भी जाके खेलते हैं, ठीक है, आगे भी जाके खेलते हैं। तो इन्होंने भी अभी तक जो है परफॉर्मेंस ये बहुत अच्छा इन्होंने भी किया है, इन्होंने भी 1 असिस्ट इन्होंने भी किया है, ठीक है। और डब्लू राइस, इनके बारे में बता दूँ, ये भी बहुत अच्छे खिलाड़ी, इन्होंने भी 1 गोल इन्होंने स्कोर भी किया है,
प्लस ये अच्छे ये डिफेंडर है, इन तीनों के साथ हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड, ठीक है। बाकी इमिर के साथ भी आप अच्छा खासा परफॉर्मेंस इमिर भी किए हैं, इमिर के साथ भी आप लोग जा सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद फ्रेंड इधर आ जाइए, मैं आपको बता दूँ मिडफील्डर में, मिडफील्डर में हम लोग जा रहे हैं एस अयोडोगू के साथ, एस अयोडोगू के साथ हम लोग जा रहे हैं, जिन्होंने शानदार ढंग से 3 गोल 6 असिस्ट किया है, 3 गोल 6 असिस्ट इन्होंने किया है, बढ़िया खिलाड़ी है। एच एक्नर बहुत अच्छे खिलाड़ी ये भी हैं, गोजेप की तरफ से, गोजटैप की तरफ से इन्होंने 5 गोल 1 असिस्ट किया, वाइस कैप्टन के बेस्ट चॉइस बनते दिख रहे हैं। एफ बॉल्ड्रिन ये भी बहुत अच्छा खिलाड़ी है फ्रेंड, 4 गोल 2 असिस्ट किया है। और ए उमर के बारे में बता दूँ, 3 गोल 1 असिस्ट, इन चारों के साथ हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड। आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे डी हरमास बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है फ्रेंड, इनको बहुत कम लोगों ने पिक किया है, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं डी हरमास, ये भी शानदार ढंग से 4 गोल इन्होंने भी किया है, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहेंगे मैच में, अभी के लिए नहीं लिया फ्रेंड्स, और इनको मैं अपनी टीम में बिल्कुल ले सकता हूँ, उसको देखूंगा लाइनअप आने के बाद, ठीक है फ्रेंड। तो बहुत अच्छे खिलाड़ी ये भी हैं फ्रेंड, डी हरमास के बारे में बता दूँ। स्ट्राइकर में आप लोग देख लो, एस गुरलर के साथ हम लोग गए हैं फ्रेंड, ये भी शानदार 6 गोल 5 असिस्ट किए हैं, कैप्टन के बेस्ट चॉइस रहेंगे। एम स्कोडा ये भी 4 गोल इन्होंने 1 असिस्ट किया है, और उसके बाद आप इसके पोविक को देख लो, इन्होंने पिछले 10 मैच में कोई भी गोल अभी तक नहीं किया है, कुछ लोगों ने लिया है, मैंने इनको अपनी टीम में नहीं पिक किया फ्रेंड, मैंने लिया है बी शमोडियो को, ठीक है, 4 गोल 1 असिस्ट इन्होंने किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनके बारे में सोचूंगा, समोडियो या यहाँ पे डी हरमास, इसी में मैं किसी एक को पिक करता हूँ फ्रेंड। फिलहाल के लिए आप लोग टीम प्रीव्यू देख लीजिए, यहाँ अभी हाल फिलहाल के लिए मैंने कैप्टन एस गुल्लर को बनाया है, जिन्होंने शानदार 6 गोल 5 असिस्ट किया है, और वाइस कैप्टन एच एक्बुनार को बनाया हूँ फ्रेंड्स, प्रीव्यू मेरा यही रहेगा, तो आप लोग देख लीजिए, और ये मेरी टीम रहेगी, आप लोग इसको देख लीजिए, इसी हिसाब से एडजस्ट करके अपनी टीम आप क्रिएट कर लेना, बाकी फाइनल टीम में टेक्निकल अभी प्रेडिक्शन पे आपको ज़रूर से ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा, तो फ्रेंड ठीक है। बाकी फ्रेंड आपको बता दूं कि इस टीम के बारे में बता दूं, ये टीम अभी बड़ी मजबूत टीमों के खिलाफ भी गोल ज़रूर करती है, ठीक है, गोल ज़रूर करती है, स्कोर ज़रूर करती है, ठीक है। तो उनके थोड़े से शॉर्ट रन टारगेट भी ज़्यादा अच्छे से गए हैं, पिछले 4 मैचों में फ्रेंड जो 4 टेबल टॉपर टीम रही उसमें इनके शॉर्ट रन टारगेट बहुत ज़्यादा रहे, एक में 3 किया, एक में 6 किया, एक में से 5 किया, एक में और 3 किया। वहीं पे इस टीम के बारे में बता दूं, जो टेबल टॉपर टीम रही है उसमें शॉर्ट रन टारगेट उतना इनका नहीं गया, तो मे बी अटैक ज़्यादा ये करेंगे, लेकिन इनका फ्रेंड आपको बता दूँ इनका डिफेंस भी थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन अटैक भी ये करेंगे, तो हम लोग थोड़ा सा बैलेंस टीम बनाएंगे, मे बी पॉसिबिलिटी है कि जो है क्लीन शीट होने की संभावना नहीं है, मैच अच्छा होने की संभावना है, एक टीम 8th रैंक पे है, एक टीम 16th रैंक पे है, तो मैच अच्छा होने की पॉसिबिलिटी। बाकी फाइनल टीम मैं अपना टेक्निकल अभी प्रेडिक्शन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड। आशा करता हूँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लिया होगा, बाकी मैं आपको अपडेटेड टीम उसी पे प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय। बाकी फ्रेंड आप लोग जो है जो कोरोना वायरस, इससे आप लोग बिल्कुल बचिए और बिल्कुल एहतियात बरतिए, क्योंकि इस समय ये महामारी का रूप धारण कर चुका है, जैसा कि हर जगह से न्यूज़ आ रही है, काफ़ी मैच काफ़ी स्पोर्ट्स भी बाधित हो रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल सुरक्षित रखिए और बिल्कुल इंजॉय से खेलिए, ध्यान से खेलिए। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।